राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय रह गया है। सभी पार्टी के प्रमुख अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसंपर्क कर प्रचार का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते आज खजौली विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आए थे। समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। जी, आपका नाम? अनिल चौहान। अनिल जी, आज योगी जी आए थे, क्या कहेंगे? योगी जी आए थे आज, हमारे पूरे क्षेत्रवासी जितने भी हमारे वहाँ लोग गए थे, सबसे पहले तो हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देंगे। और आज योगी जी ने जो भी बात की, एक एक बात ऐसी कही जो बिल्कुल सत्य थी, और आने वाले 10 तारीख में सही में यहाँ से विक्रम सैनी जी जीत के जा रहे हैं। पूर्व में किए गए विकास कार्यों से कितना कुछ है? जो सरकार भाजपा ने विकास किया उसके मुकाबले पहले कभी विकास हुआ ही नहीं था। अब विकास है, सारा विकास है, सब कुछ दिखाई दे रहा, रास्ते में दिखाई दे रहा। विपक्ष की सरकार कहती है कि उत्पीड़न हुआ कोरोना काल में, किसानों का उत्पीड़न हुआ, उसको लेकर क्या कहें? विपक्ष की सरकार हमें एक काम बता दे जो किसानों के फेवर में उन लोगों ने करा हो। अगर विपक्ष की सरकार एक भी काम ऐसा बता दे कि किसानों की सरकार के फेवर में उन्होंने किया, आज किसान को 2000 रुपए मिल रहे, आज किसान का गन्ना भुगतान पेमेंट टाइम पे हो रहा, 28 तारीख तक का भुगतान शायद अभी कर दिया मिल ने, अब तक पहले 2-2 साल तक भुगतान नहीं होता था, लाइट बिल्कुल सही आ रही, किसान अपने खेत पे जाता था। 2013 में हुए दंगों की याद दिलाई योगी जी ने, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहूंगा जैन चौधरी से, वो हमें ये बताए कि 2013 के दंगे वो भूल कैसे गए और उसी पार्टी के साथ में जाके मिल गए जिन्होंने यहाँ दंगे कराए, उन्हीं के लोग तो उसमें शामिल थे, उन्हीं के जाट भाई उसमें शामिल थे, उन्होंने दंगे कराए और आज उन्हीं के साथ में जाके मिल गया। ऐसा किसी ने कहा कि तमंचे वाले लड़के घूम रहे हैं, उसको लेकर तमंचे वाले लड़के यहाँ पहले तमंचे वाले ही तो घूमते थे, ये बताओ कोई सुरक्षित था? कोई सुरक्षित नहीं था। और आज की सरकार में सब आजाद हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर इस सरकार ने भला करा तो सबका भला करा, किसी एक का भला नहीं करा। और पहले की सरकार अलग अलग भला कर रही थी, सब मुंह देख के बात। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी? आज योगी जी आए थे, इस बार आप मुख्यमंत्री किसे बना रहे हैं? योगी जी को बनाएंगे। विधानसभा से कौन जीतेगा? विक्रम सैनी जीतेगा, डेफिनेटली जीतेगा। मुजफ्फरनगर भाई, विक्रम सिंह सैनी जी बिल्कुल जीतेंगे, हम गुज्जर समाज से हैं, गुज्जर वोट सारे से देंगे। दूसरी बात यह है, किसान को 1 लाख रुपए का नेट फायदा हर साल, एक झोटा छीन लेते 50,000 का और दूसरा झोटा फिर बोल लेना पड़ता, दिन में हमारे कटड़े बछड़े खोद के ले जाते सर, हम बिल्कुल हुआ है। और योगी जी जीतेगा और विक्रम सैनी जीतेगा। किसानों का उत्पीड़न किया, बिल्कुल बकवास कर रहा, मैं बिल्कुल चंद आदमी है। योगी 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 योगी, मैं जो किसानों का मसीहा बन रहा था, मैं मात्र 20% भी नहीं है जो लूटे रहते थे, उनकी लूट नहीं चल रही अब, इसलिए परेशान रहे। गठबंधन से राजपाल सैनी है, कुछ नहीं होने का उसका, करतार सिंह बढ़ाना एक बार फिर, हम खुद इस बार 100% एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, राजपत्र टीवी के लिए बिलाल अख्तर की रिपोर्ट।